इंडियन आइडल सीजन 12 के रॉक स्टार पवनदीप राजन हमेशा किसी ना किसी की इच्छा जो है वो पूरा करते ही दिखाई देते हैं, और कुछ एपिसोड से तो वो धमाल मचा रहे हैं टीवी पर, और साथ ही साथ कमाल कर रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस दिए पे दिए जा रहे हैं। जो भी गेस्ट बनकर आता है इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर, उनकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरा करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले आई थी रीना रॉय जी के सामने, रीना रॉय की आखिरी इच्छा पूरा करते हुए दिखाई दिए पवनदीप राजन, और वो अरुणिता कांजीलाल को मीठा खिलाते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये एक रोमांस का ये एक पार्ट था, और साथ ही साथ बप्पी लहरी आए थे, म्यूजिक कंपोजर, बड़े म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी, और उनके सामने तबला बजाकर तबलची बने थे, और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे पवनदीप राजन को। और कुछ एपिसोड पहले तो रणधीर कपूर जी के सामने, बॉलीवुड के सुपरस्टार रणधीर कपूर जी के सामने एकॉर्डियन प्ले करते हुए दिखाई दिए थे, और साथ ही साथ रणधीर कपूर के दोनों भाई जो कि अब हम इस दुनिया में नहीं हैं, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए थे। और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे हैं पवनदीप राजन, ऐसे हैं पवनदीप राजन। अब पवनदीप राजन जो हैं आने वाले एपिसोड में जो गेस्ट के तौर पर नज़र आने वाले हैं, उनकी आखिरी इच्छा, करण जौहर की आखिरी इच्छा भी पूरा करने वाले हैं। करण जौहर की आखिरी इच्छा पूरा करेंगे, करण जौहर पूरी तरह से इम्प्रेस होने वाले हैं। करण जौहर क्या क्या कहेंगे और किस तरह से उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे, कौन सा नया टैलेंट देखने को मिलेगा आप सभी दर्शकों को, आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं पवनदीप राजन के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़, हम आपको बता दें दोस्तों कि पवनदीप राजन जो है शानदार परफॉर्मेंस देंगे। जी हाँ, शानदार परफॉर्मेंस देंगे। कभी खुशी कभी गम की फिल्म का एक गाना है, जिस गाने को गाते हुए नजर आएंगे पवनदीप राजन, और इमोशनल हो जाएंगे करण जौहर, क्योंकि उनकी पापा की याद आ जाएगी उन्हें, और साथ ही साथ उनके पापा की याद आने के साथ साथ वो जो हैं काफ़ी भावुक भी होने वाले हैं, और काफ़ी इम्प्रेस होते हुए नजर आएंगे, और वो पवनदीप राजन के गाने को सुनते हैं करण जौहर जी। करण जौहर जी जो हैं कॉम्प्लीमेंट देते हुए पवनदीप राजन को ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, और आपकी जिस तरह से फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, और आपके फैंस की जिस तरह से आपके फैंस जो हैं शो में विनर बनाना चाहते हैं आपको, उस बात को लेकर जिस तरह से क्यूरियोसिटी है आपके फैंस के बीच में, उसका मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, ये सारी की सारी बातें बोलते हुए नजर आएंगे। और आप तो ऑलरेडी सुपरस्टार हो पवनदीप, आप ऑलरेडी सुपरस्टार हो, कहीं आप अपने बिजी शेड्यूल के दौरान जो हैं आप मेरे को भूल तो नहीं जाओगे, इस तरह की कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आएंगे करण जौहर। और साथ ही साथ वो कहेंगे कि आपको एक फिल्म का साइन करना होगा, उस फिल्म का साइन करना होगा, चाहे मैं जो भी करवाऊँ आपसे आपको करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे डांसर हैं, एक अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे तो गाते हैं माशाल्लाह, लेकिन आप एक अच्छे एक्टर भी हैं मुझे पता है, तो मैं ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्या आप मेरी इच्छा पूरा करेंगे। इसके बाद पवनदीप राजन आओ देखेंगे न ताओ, और साथ ही साथ कह देंगे करण जौहर जी को कि हाँ मैं आपकी इच्छा पूरा ज़रूर करूंगा। वेल, करण जौहर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं इस बात को सुनने के बाद। वैसे पवनदीप राजन का दिल जो है वो काफ़ी मासूम और काफ़ी बड़ा है।